दोस्तों, नेचर मेडिसिन जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक लाल मांस में पाया जाने वाला एक यौगिक जिसे कॉर्निटाइन कहा जाता है, ये एथेरोक्लोरोसिस धमनियों की कठोरता या क्लॉगिंग का कारण बन सकता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अध्ययन से लाल मांस के अधिक सेवन को एक छोटे जीवन काल के बढ़ते जोखिम का पता चला है। स्वस्थ प्रोटीन स्रोत जैसे मछली, मुर्गी, नट्स और फलियां मृत्यु दर के जोखिम के साथ जुड़े हैं। मीट में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर जमा होकर गठिया जैसे रोगों को पैदा कर सकता है। UCLA के एक हालिया अध्ययन के मुताबिक मीट में आयरन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसके अधिक सेवन से मस्तिष्क में आयरन का स्तर बढ़ सकता है और अल्जाइमर रोग के विकास का जोखिम बढ़ सकता है।